उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में पार्टी का घोषणा पत्र पेश करते हुए दावा किया कि इस बार बीजेपी प्रदेश में 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। लोक संकल्प पत्र नामक बीजेपी के इस घोषणा पत्र में किसानों, छात्रों से लेकर समाज के हर तबके को लुभाने की कोशिश की गई है। अमित शाह ने कहा कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए संवैधानिक कोशिश करेंगे। साथ ही 3 तलाक के मसले पर प्रदेश की मुस्लिम महिलाओं से राय ली जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास उपाय किए जाएंगे। आइए अब जानते हैं बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र की कुछ अहम बातें। हर युवा को रोजगार देने का वादा किया गया है। यूपी में किसानों का कर्ज माफ और बिना ब्याज के कर्ज दिया जाएगा। भूमिहीन किसानों को 2 लाख रुपए का बीमा। स्नातक तक लड़कियों को और 12वीं तक लड़कों को मुफ्त में शिक्षा। 1 साल तक लैपटॉप के साथ 1 GB डाटा मुफ्त देने का वादा किया गया है। 100 नंबर की सेवा को और मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही 1.5 लाख पुलिस के खाली पद भरे जाएंगे। वहीं स्कूल, कॉलेज सहित यूनिवर्सिटी में फ्री वाईफाई की सुविधा होगी। इसके साथ ही बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लखनऊ और मेट्रो शहर का विस्तार होगा। हर घर में LPG पहुंचाने का भी वादा किया गया है। गरीबों को फ्री में LPG सिलेंडर दिया जाएगा। कानपुर, झांसी, मेरठ और गाजियाबाद में मेट्रो सेवा दी जाएगी। 2019 तक यूपी के हर घर में बिजली का वादा किया गया है। बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने के लिए बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनाया जाएगा। गरीब परिवार की बेटी को जन्म के साथ ही 5,000 रुपए की मदद की जाएगी। विधवा पेंशन 1,000 रुपए की जाएगी। वहीं हर जिले में 3 महिला थाना बनाने का वादा किया गया है। 3 तलाक के मुद्दे पर प्रदेश की मुस्लिम महिलाओं से राय लेंगे। इसके साथ ही यूपी में 25 अस्पताल बनाने का भी वादा किया है। संवैधानिक तरीके से राम मंदिर बनाने की कोशिश करने का भी बीजेपी ने वादा किया है। गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिनों में चेक से करेंगे। इसके साथ ही 6 एम्स बनाने की घोषणा की गई है। तो घोषणा पत्र में तमाम वादों के साथ बीजेपी ने एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा उठाया है और संवैधानिक तरीके से निर्माण करने का वादा किया है। यूपी में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए भी कई वादे किए गए हैं। अब देखना होगा कि जनता को यह घोषणा पत्र कितना लुभाता है। देखते रहिए DP Live।